हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर क्या हैं ये भी हम पता करने का प्रयास करेंगे, और भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन बैंक नोट एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज रुपीज़ 1। फिर लिखा हुआ है, क्वाइन बिलो 50 पैसा इज़ नॉट अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2, नॉर 2। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 रुपये का नोट अभी भी हमारे यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है कि 1 रुपये का जो नोट होता है, इसको इसके ऊपर साइन किसका होता है, वित्त सचिव का होता है। और यही एक नोट ऐसी है जिस पे आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता, लेकिन इसका जो सर्कुलेशन होता है वो सारी चीज़ आरबीआई के थ्रू होता है, फिर बैंकों के जरिए ये जाता है जनता के पास। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो सही है कि ये मिनिमम डिनोमिनेशन का बैंक नोट है, इससे नीचे का बैंक नोट आता नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पे क्वाइंस को लेकर क्या है कि 50 पैसा बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे इंडिया में, जो 50 पैसा लीगल टेंडर, मतलब उसको लोग कहते हैं कि चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम आरबीआई की नज़र में देखें तो 50 पैसा अभी भी लीगल टेंडर है, इसको माना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपके सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जब आपको मैंने जो ये बैंक रेट, SLR, CRR, ये सब जो मैंने आपको बताया था, जिसको हमने नाम दिया था बैंकिंग अवेयरनेस का, और उस पर मैंने आपको सारी डिटेल बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स को लेकर के सारी चीज़ें बताया हुआ है। तो वहाँ पर भी हमने सीखा था कि जो मनी मार्केट होता है उसमें ट्रेजरी बिल्स आता है, कॉमर्शियल पेपर आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आता है। जो नहीं आता है वो कौन सा है, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी मार्केट अपने आप में अलग मार्केट ही होता है, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स क्या है, वो इक्विटी मार्केट की चीज़ है, जिसमें शेयर्स वगैरह आते हैं, वो इक्विटी मार्केट की चीज़ है, मनी मार्केट की ये चीज़ नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स एम्बलम्स फिगर अ डॉग एंड द वर्ड फेथफुल एंड फ्रेंडली इन इट। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बैंक के एग्ज़ाम्स में। तो ये जो पब्लिक सेक्टर, किस बैंक की बात कर रहे हैं, जिसमें कुत्ता होता है, उसके लोगों के, उसका जो वहाँ पे लिखा रहता है नाम, उसके पास एक कुत्ते की फ़ोटो होती है और उसके साथ लिखा रहता है फेथफुल एंड फ्रेंडली। कौन सा बैंक है ये, सिंडिकेट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखना है। लिखा हुआ, टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, टू ऑगमेंट द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, टू इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। लिखा हुआ है फिर क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोविजंस, या फिर हम जिसको SLR के नाम से जानते हैं। आपको पता है ना कि RBI दो तरह के मेजर्स लगाता है बैंकों के ऊपर, एक तो होता है CRR और एक होता है SLR, ठीक है। CRR बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, और जो SLR होता है वो बैंक अपने पास ही रखते हैं, लेकिन RBI के द्वारा ही वो डिसाइड होता है कितना किस बैंक को, मतलब कितना बैंकों को रखना है, सबके लिए एक ही होता है ये रेट। तो दो तरह के रेट होते हैं जिसके जरिए RBI कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बता, आपसे पूछा जा रहा है कि SLR का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो लिखा हुआ, टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का जो एक्सपेंशन होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसीलिए तो RBI कहता है, मतलब समझिए। ये सब मैंने हालांकि बता रखा है, अगर आप देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस वाली वो पूरी प्लेलिस्ट, उसमें आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल मिलेगी। कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 रुपये बैंक के पास अगर आ गए हैं तो बैंक 100 रुपये पूरा का पूरा उधार में ना दे दे किसी को, ताकि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो बैंकों के पास पैसा होगा ही नहीं किसी को लौटाने के लिए। तो इस सबसे बचने के लिए RBI ने डिसाइड किए हैं 2 रेट, मतलब उसके तहत कुछ पैसा इस 100 रुपये में, मान लीजिए 4 रुपये बैंक रख देगा RBI के पास, और उसके बाद RBI कहेगा कि बाकी का 22 रुपये तुम अपने पास ही रखो, उसको
लोन पे नहीं दे सकते किसी को। तो 22,426 इसको घटा लीजिए, 22,426 कितना बचा, 74 रुपये बचा। अब इसमें से आरबीआई कहता है इसको आप दे सकते हैं लोन पे। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, मतलब जो उधार देने वाली ये जो सुविधा है या फिर कह सकते हैं क्षमता है, उसमें कमी ला गई। पहले आप 100 रुपये दे सकते थे लेकिन 74 रुपये ला दिया, ताकि जब कोई क्रुशियल कंडीशन आए तो उसमें आपको ये जो पैसा आरबीआई के पास और आपके पास सुरक्षित है, इसको आप इस्तेमाल कर सकें। ये बात सही है। दूसरा, टू ऑगमेंट द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, ये भी बात सही है। आपका SLR का ही ऑब्जेक्टिव होता है। एंड टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ बैंक, ये मैंने इसी में आपको बता ही दिया कि जो भी कोई क्रूशल कंडीशन आती है तो उसी के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है SLR का, तो तीनों है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ डेबिट कार्ड। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग गलत क्यों कर देते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ते नहीं है ऑप्शन को। इट इज़ अ कार्ड इश्यूड बाय रेटिंग एजेंसी, नहीं, ये IBPS मेरे ख्याल से 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, IBPS PM पूछा गया था। लिखा हुआ इट इज़ अ कार्ड विच कैन बी यूज फॉर विड्रॉइंग कैश एंड मेकिंग पेमेंट्स इवन इन द अब्सेंस ऑफ एनी बैलेंस इन द अकाउंट, नहीं, इसी में बहुत सारे लोग इसको टिक करके आते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं पैसा और पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी, जबकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। लिखा हुआ इट इज़ अ कार्ड विच कैन बी यूज फॉर विड्रॉइंग कैश एंड मेकिंग पेमेंट्स इफ़ देर इज़ बैलेंस इन द अकाउंट, तो जी हाँ, सी वाला ऑप्शन, कि जब आपके अकाउंट में पैसा है उतने की का ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं और उतने की ही आप पेमेंट कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन देखिए, इट इज़ अ कार्ड विच कैरीड प्रीपेड बैलेंस, तो ऐसा भी नहीं है, ये तो क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। प्रीपेड बैलेंस का मतलब पहले आप पे कर देंगे जिसको जहाँ भी देना है, बाद में जिस भी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड है उसको जा करके आप पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, लिखा हुआ व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट टर्म ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो लिखा हुआ द एक्सपेंडिचर बाई गवर्नमेंट फॉर विच इट रिसीव्स नो गुड्स और सर्विसेज सच एज सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल एड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ETC। तो जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिस पे गवर्नमेंट को ना तो कोई गुड्स मिलता है ना तो कोई सर्विस मिलती है, ठीक है। और उसमें जैसे सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल एड, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए जो सरकार खर्च करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह जो देती है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह, सरकार को उसमें कुछ मिलता नहीं है, वो केवल दिए जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपके पेमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहा जाता है। बी देखिए, लिखा हुआ द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू पे इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फॉरेन लोन पे करती है सरकार, उस पे जो इंटरेस्ट पे करती है उसका जो खर्च होता है वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं होता है। लिखा हुआ है द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू पे सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्टर्स, कि जो एक्सपोर्टर्स पे सब्सिडी देती है वो, ऐसा नहीं है। आपको पता है ट्रांसफ़र पेमेंट होगा तो उसमें कुछ ना गुड रिसीव होगा ना तो कोई सर्विस रिसीव होगी, तो ये भी नहीं है। द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू ऑयल कंपनीज इन लिव ऑफ द सब्सिडीज, जी हाँ, डी वाला भी आपका सही है, कि गवर्नमेंट जो है जो ऑयल कंपनीज को पे सब्सिडी देती है, मान लीजिए ऑयल आपका 50 रुपये का है और उसके बाद अभी तो जैसे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर ही दिया है कि ऑयल की प्राइस को मार्केट के हवाले जैसे कर दिया है, अब ऑयल आपका अगर 50 रुपये का आ रहा है और गवर्नमेंट चाह रही है कि जनता को वो कम रुपये में उपलब्ध हो, 30 रुपये में उपलब्ध हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 रुपये, मान लीजिए 50 रुपये पर लीटर ऑयल उपलब्ध हो रहा है मार्केट कीमत से और गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी जनता को वो 30 रुपये में उपलब्ध हो, तो ऐसा कब होगा, जब ये जो गैप है 20 रुपये का इसको गवर्नमेंट पे करे अपनी तरफ से, ठीक है। ऑयल कंपनीज को गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब ऑयल कंपनीज को मिलेगा 50 रुपये, 30 रुपये आपसे और 20 रुपये गवर्नमेंट से, तो इसको भी आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो A and D, बोथ A and D CO, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। डेसिमल करेंसीज क्या होती है, या फिर करेंसी का डेसिमलाइजेशन, ठीक है, उसको किसे कहते हैं, तो डेसिमलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे हमको एक सिंपल टर्म में समझिए कि मैं कहूँ अगर 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे 100, तो इसी को कहेंगे डेसिमलाइजेशन, कि हमने रुपए को भी तोड़ दिया पैसे में, ठीक है। अगर हमको कुछ लेना होता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ है 2 रुपए 50 पैसे की, तो ये क्या हो गया, डेसिमलाइजेशन हो गया, हमने
तोड़ा है 1 रुपए को। जैसे हम कहेंगे $1 बराबर कितना होगा, तो $1 बराबर ज्यादातर जगहों पे 100 सेंट्स के होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे 100 सेंट मिला करके $1 बनता है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया ने ये जो पद्धति है कब अपनाई, तो इंडिया ने अपनाई थी 1957 में, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन 1971 का भी होता है, कभी कभी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 1971 का जो ऑप्शन होता है कंफ्यूज करने के लिए होता है। कई बार आप जब रिलेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है 1971 का ऑप्शन जो होता है वो इंग्लैंड के लिए या फिर कह लीजिए ब्रिटेन के लिए होता है। ब्रिटेन ने 1971 में डिसिमिलाइजेशन को अपनाया था। तो कई बार कंपेरेटिव स्टडी में ऐसी चीज़ें पढ़ने को आ जाती हैं और जब ऑप्शन में दिखता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ग्रांट या फिर कह लीजिए कि जो भी डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस है ग्रामीण जनता को, कि उनको डायरेक्ट जो मिल रही है ग्रांट कौन सी है, किसके द्वारा मिलती है। तो आपको बताना है रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम शॉर्ट में RRB कहते हैं, जिसकी आप तैयारी भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, इसके जरिए मिलता है। ये क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या ये डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है? नहीं, नाबार्ड नहीं प्रोवाइड करता है। नाबार्ड RRB के जरिए प्रोवाइड कर सकता है। और तीसरा जो ऑप्शन है लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसके जरिए प्रोवाइड कर सकता है, ये भी आपका सही है। इसके जरिए भी लोन वगैरह बांटे जाते हैं गरीब जो ग्रामीण जनता होती है उनमें, ठीक है। तो पहला और तीसरा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें भी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है द फर्स्ट कंप्लीट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज। आपको बताना है कि जो पहला कंप्लीट कॉमर्शियल बैंक था इंडिया का वो कौन सा था। तो इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है, एक तो बी में और एक ए में, ठीक है। कई बार सी में भी हो जाती है, इंपीरियल बैंक में, बड़े कन्फ्यूजिंग से आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑथ कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। पहला ज्वाइंट स्टॉक वाला बैंक था जिसमें सारे के सारे भारतीय ही थे। तो ये ऑल इंडियन बैंक था, मतलब पहला कंप्लीट कॉमर्शियल बैंक था, जो कि मेरे ख्याल से 1881 में ओपन हुआ था, लेकिन बाद में ये 1958 में जा कर के बंद भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये पहला पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक था, तो ये क्या है, ऑल कॉमर्शियल बैंक। इलाहाबाद बैंक भी इससे पहले खुला था, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नहीं था, इसमें सारे के सारे लोग इंडियन नहीं थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजली कपल्ड विथ। इसका एग्जाम्पल आप आजकल की हालात से लगा सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है लेकिन GDP भी आप देख रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके साथ कपल्ड होती है यूजुअली, तो वो होती है इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप रख करके याद करेंगे, लेकिन इसका उल्टा भी सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे महंगाई है तो इसका जरूरी नहीं है मतलब कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, वाइस वर्सा सही नहीं होता है, कि केवल वन वे डायरेक्शन में सही होता है। कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर है किसी कंट्री में तो हम वहाँ पे इन्फ्लेशन को देखेंगे, जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अगर कहीं पे इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट डज इट मीन। अब CRR की कहानी मैंने शॉर्ट में तो आपको बता दी यहाँ पे जनरली, ठीक है। लॉन्ग में आपको जाननी है, सारा प्रोसीजर समझना है तो वीडियो देखिए आप। CRR अगर अब आपको यहाँ से भी पता चल गया होगा कि अगर RBI CRR को बढ़ा दे, ठीक है, पहले 5% था, अब उसको बढ़ा करके 10% कर दे, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, बैंक के पास 100 रुपये थे, अभी तक वो 5 रुपये रख रहा था RBI के पास, अब 10 रुपये रखेगा। इसका मतलब बैंक के पास पहले 95 रुपये बच रहे थे SLR को छोड़ दें तो, अब 90 रुपये बच रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो बैंक की क्षमता है वो कम हुई, मार्केट से पैसा कम होगा। लिखा हुआ द कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। पहला वाला ऑप्शन ही सही है कि कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा उधार देने के लिए, ठीक है। लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड, ऐसा नहीं है, उसके पास तो पैसा आएगा। द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड, ऐसा भी नहीं है। द कॉमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड, ये तो अपोजिट हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है।
बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें अगर एक ऑप्शन और ऐसे मैं जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ, 1 जनवरी 1949। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पे आपको बताना है इस्टेब्लिश कब हुआ था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आरबी कैपिटल में ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी वाला, 1 अप्रैल 1935। कुछ लोग ए भी टिक कर लेते हैं, वो गलत है। पहले ही अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934 इसके द्वारा। और यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है ये क्या बताता है कि इस दिन आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, ये जो डेट है ये नेशनलाइजेशन की है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। तो दोनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाई, कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, जैसे बैंक में आप गए, आपको कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा, किसी ने आपका काम करने से मना किया, या कोई और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है, आपने ऊपर के अधिकारियों से भी शिकायत की, लिखित शिकायत के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इस जगह पे जाते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। यहाँ पे आप अपनी सारी बातों को रखते हैं, फिर आपकी जो भी सुविधा होती है उसका निवारण यहाँ से होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो ये अपॉइंट होता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आपको पता है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2006 में, और शायद 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी लाया गया था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द आरबीआई डिक्रीजेस द बैंक रेट, कि अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो बैंक रेट जिसको आप जानते हैं किस नाम से, रेपो रेट के नाम से, जी हाँ, रेपो रेट को ही बैंक रेट कहते हैं। इसको कई बार पॉलिसी रेट भी कहते हैं, और कई बार इसी को पॉलिसी रेपो रेट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैंने वीडियो में बता रखा है, सीरीज में आप जा करके देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। सीधा सीधा बात ऐसे समझिए कि ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, आरबीआई, जैसे आरबीआई से आपको पैसा उठाना है, मैं और आप तो उठा नहीं सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो उठा सकते हैं। तो अगर आरबीआई का जो ये बैंक रेट है ये कम होगा, तो अगर जैसे अभी आप अगर मान लीजिए होम लोन लेने जाते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 8.75% का ये आपको ब्याज दर देना होगा। इसी लोन को अगर मैं कम कर दूं, मैं इसको 6.25% कर दूं, तो बताइए होम लोन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी, क्योंकि रेट कम हो गए। अब इसी को मैं बढ़ा दूं, इसको मैं 12.75% कर दूं, यहीं से शुरुआत होगी, तो बताइए होम लोन लेने वाले कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है कम होंगे। तो वैसे ही बैंक रेट है, अगर बैंक रेट आरबीआई ने घटा दिए तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है आरबीआई से पैसा लोन पे ले लेंगे। तो मान लीजिए ऐसे कि अगर रेपो रेट आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है 8% का, तो बैंक 8% पे आरबीआई से पैसा लेंगे, और उस 8% से ज़्यादा, मतलब 9% या 10% इससे ज़्यादा करके, वो पैसा जो भी बोरोवर्स होंगे या फिर हमारी आपकी तरह आम आदमी होंगे उनको उधार पे दे देंगे। मतलब उनको 1% का यहाँ पे मुनाफा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे, रेट अगर इतना ज़्यादा रहेगा तो लोन लेने वाले लोग भी कम संख्या में उपलब्ध होंगे। अगर आरबीआई इस रेट को घटा करके 6% कर दे कि आप हमसे पैसा उधार लो, बैंकों को कहे आप हमसे पैसा उधार लो, केवल 6% आपके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। तो बैंक पहले 8% दे रहे थे, अब 6% देंगे। इसका मतलब बैंक उत्साहित होकर के ज़्यादा पैसा लेंगे, और वो भी कहेंगे भैया आप भी हमसे पैसा उधार पे लो, हम 9% की जगह 7.5% पे ही देंगे। अब अगर ये 7.5% पे भी दें तो भी अब 1.5% यहाँ पे कमा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को कम करे तो यहाँ पे जो पैसा है वो बोरोवर या फिर कह लीजिए हमारी जो आम जनता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होगा, या फिर कहिए मार्केट में जो मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होगा लोन लेने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। नहीं, अगर बैंक रेट कम होगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, मतलब तरलता बैंक जो पैसे की है वो मार्केट में ज्यादा हो।
और इसके साथ साथ जितने भी रेट्स हैं, जैसे CRR, SLR, या फिर मैं बात करूं रेपो रेट की या फिर रिवर्स रेपो रेट की, ये सब आपको जो करंट वाले हैं, मतलब जैसे अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज को मैं कह दूँ CRR 4% है, SLR 19.5% है, रेपो रेट 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट 6.25% है। तो ये तो आज का आंकड़ा है, ठीक है, ये सितंबर का आंकड़ा है। हो सकता है RBI जब नेक्स्ट बैठक करे इसमें कुछ चेंज ला दे, तो आपको हमेशा अपडेट रहना होगा कि उस समय का आंकड़ा क्या है। और सबसे भरोसेमंद इसका जो कह सकते हैं कहाँ से आपको पता चलेगा सोर्स है, वो RBI की ही वेबसाइट है, वहीं से जाकर के आपको सारे रेट एकदम एग्जैक्टली अप टू डेट पता चल सकते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस रेट बेस इफेक्ट, व्हाट इज बेस इफेक्ट। कह रहे हैं कि जो रैपिड इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन की रेट में, कभी कभी वो बेस इफेक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, फिर बेस इफेक्ट की वजह से होती है। तो आपको बताना है ये बेस इफेक्ट आखिर चीज क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको इसका एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बेस इफेक्ट का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में आपको समझा सकता हूँ मैं। अब इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर इसमें से क्या होगा। तो बेस इफेक्ट का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि जनवरी में आपको 100 रुपये मिलते थे 1 महीने काम करने के, बहुत कम तनख्वाह है, कोई बात नहीं। फरवरी में आपके काम से खुश होकर के आपके बॉस ने आपकी तनख्वाह 50 रुपये बढ़ा दी, तो आपको कितने रुपए मिले, 150 रुपये। अब मैं कहूँ इसमें इजाफा कितने का हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का, तो आप कहेंगे 50% मेरी सैलरी बढ़ गई, बड़ी खुशी खुशी, ठीक है। उसके बाद मार्च के महीने में आपके बॉस ने और खुश हो गए, मतलब फरवरी में 50% बढ़ गई तो आप और काम किए होंगे, तो मार्च के महीने में आपकी तनख्वाह 50 रुपये और बढ़ा दी, तो आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 200 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई, तो आप फिर क्या कहेंगे, कितने रुपए बढ़ी, तो आप कहेंगे 50 रुपये बढ़ी है, लेकिन कितने परसेंट बढ़ी है, तो 33.33% बढ़ी है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं जनवरी से कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी है, तो आप क्या कहेंगे, कितनी बढ़ी है आपकी तनख्वाह, तो आप कहेंगे 100% का इजाफा हुआ है। मतलब सीधी सी बात यह है कि बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि आप कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं, किस बेस से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसके अनुसार कई बार इन्फ्लेशन होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी में किसी, मान लीजिए दाल की कीमत जो है, जनवरी में दाल मान लीजिए बहुत कम खाई गई है या फिर उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी कीमत मान लीजिए 50 रुपये थी, ठीक है, जनवरी के महीने में। ये जनवरी अगर मैं ईयर में भी कह दूँ जनवरी 2016 में, ठीक है। अब अगर आगे चल करके दाल की जो कीमत है उसके बाद 50 रुपये थी, फिर आगे चल करके कीमत जो है बढ़ जाती है, ये आपकी कीमत आगे चल के 60 रुपये हो जाती है, फिर 70 हो जाती है, या फिर कह लीजिए 60 रुपये ही बनी रहती है पूरे बाकी साल। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2017 में जनवरी में जो दाल की कीमत है वो बढ़ करके 80 रुपये हो जाए, तो अगर आप देखिए बाकी के दिनों में दाल की कीमत बाकी के महीनों में 60 रुपये थी, तो अगर आप देखिए फिर अगले साल जनवरी में दाल की कीमत में इजाफा कितने का हुआ है, केवल 20 रुपये का। लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे पिछले साल की जनवरी से, तो ये इजाफा कितने का हुआ है, पूरे 30 रुपये का। तो आप कहेंगे भैया पिछले साल तो जनवरी में दाल बहुत सस्ती थी, इस साल दाल बहुत महंगी हो गई है। तो यही होता है बेस इफेक्ट, मतलब इसको मैंने एकदम जनरल शब्दों में बताया है ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। अब इस चीज़ को समझने के बाद बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा, या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो अभी तक जो बताए हैं क्वेश्चन उसमें कोई कन्फ्यूज़न, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बैंकिंग अवेयरनेस वाली पूरी सीरीज है उसको देख लीजिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इधर उधर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिएगा, इस तरह की सीरीज में आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।